है बीत गया कब का है दूर जवानी, अब भी कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी है अलग कहानी सबकी। हम सबके दुख सबकी खुशियाँ मिलकर एक रंग बनाती है, उस रंग में रंग के हम सब एक रंग हो जाते हैं। हिम्मत ऐसी कि आसमां छू जाते हैं। हिप हिप हुर्रे, आज हमारा कल अपना, कोई माने या न माने, अपनी हस्ती है मस्ती के राफे लव्स हिज कजन राहिल अलॉट, लेकिन उसकी चाची बहुत ही खड़ूस है। स्कूल का काम कितना जी लगा के करते हो, घर का काम करने में तुम्हें बुखार आता है। उस दिन वो स्कूल भी लेट पहुंचा, बताया कि मेरी चाची की एक नेकलेस पॉलिश करने के लिए देनी थी तो वहीं से आ रहा हूं। अपना होमवर्क भी नहीं कर पाया टाइम पे। आज सबमिट करना है राफे, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? लास्ट यार, मैं विनी सर से बात करता हूं। विनी सर वाज अ लिटिल इरिटेटेड येट अंडरस्टैंडिंग। आई एम सॉरी, सिचुएशन तुम्हारे फेवर में नहीं है। कोशिश ये करना है कि समझदारी का साथ ना छूटे, एंड इफ यू नीड टू कॉल मी। घर पे पता नहीं क्या गुजरी उसकी चाची के साथ। Get out right now. माँ ने बताया कि उसने फोन भी किया था। मज़र है आंटी? This is all very confusing. I don't know यार, उसने कुछ बताया नहीं। क्या प्रॉब्लम है? पूछ लेना उससे, बोल जाएगा। वो है कहाँ? जॉन, राफे कहाँ है? हाँ बोलो। राफे कहाँ है? मालूम नहीं यार। क्यों? उसने यार कल रात को उसने फोन किया, कह रहा था मम्मी से कि वो बाद में फोन करेगा, but he didn't call. अरे नहीं, आ गया। और क्या एंट्री मारा है बॉस? और इसे कहते हैं ड्रामा। ए चुप, ए बच चुप, क्वाइट। ओके, अभी आप क्लास में जाओ एंड वी विल मीट एट लंच टाइम। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। इट्स ओके। अरे मेहुल झूठ थोड़ी बोल रहा है, कुछ तो चल रहा है। जस्ट स्टॉप इट गाइस प्लीज। जॉन, 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 क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ? तेरे अपने दोस्त ने तेरे जो वो लव एंगल चल रहा था उसको एक लव ट्रायंगल बना दिया। सारे स्टॉप इट मैन प्लीज। हे गाइस, वेलकम, 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 कांग्रेचुलेशंस। अरे जनाब, आपने आज वो करके दिखाया जिसका सपना अपने जॉन साहब इस स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं। वेयर वर यू? हम लोग कितनी देर से खोज रहे हैं यार। वो आज जरा लेट हो गए, मैंने आज बस नहीं पकड़ी। अरे व्हाट डू यू मीन क्यों? अरे नहीं पकड़ी तो नहीं पकड़ी है ना। दरअसल किसी वजह से मैं आज रात घर पे ही नहीं था। तो फिर कहाँ थे तुम? अलग रहना मैडम के घर। What? पूरी रात? Yeah. Come on Rafe, यार damn यार। John, 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 come on, move यार। You just ruined my life Rafe. It's okay यार। Rafe, is everything all right? मेरी चाची ने मुझे घर से निकाल दिया यार। What? Yeah. इसलिए मैंने तुझे फोन किया यार मज़र। तुम्हें तो सीधा घर पे आना चाहिए था फिर। I don't know यार मज़र। मैंने तुझे फोन किया, तू नहीं था। फिर मैंने विनी सर को फोन किया, वो भी नहीं थे। फिर अलकनंदा मैडम को फोन किया। She's been very supportive यार। राफे, I'm very sorry यार। It's okay. What okay यार? अब तुम रहोगे कहाँ? I don't know यार। तुम्हारे अंकल को पता है क्या? अब तक तो पता चल गया होगा। फिर तो वो तुम्हें ढूंढने जरूर वापस आएंगे। No guys, I'm not going back. फिर? पता नहीं, लेकिन मैं वापस नहीं जाने वाला। Are you okay? I suppose so. Come on, let's go to class. हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अरे बेटा, ऐसे घबराते थोड़ी ना। मैं कल ही राघव को बोल के तुम्हारी टीम में एंट्री करवाता हूँ, और अगर राघव नहीं मानेगा तो मैं कान पकड़ के मनवाऊंगा, ठीक है? हाँ बोलो दादा, आप भी। बहुत बोलता, बहुत बोलता। एक मिनट भाई साहब। हाँ जी कहिए। आपके यहाँ 12th स्टैंडर्ड में राफे महमूद नाम का लड़का पढ़ता है ना? हाँ हाँ जानता हूँ मैं उसे, कहिए क्या काम है? मैं उसका चाचा हूँ। आप चाचा हैं उसके? भाई आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आपका रेफे बहुत ही होनहार है, हमारे स्कूल का नंबर वन है, खेल में, पढ़ाई में, हर चीज में। ऐसा लड़का होना बहुत गर्व की बात है जी। क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? देखिए अभी तो क्लासेस चल रही, आप एक काम कीजिए ना, आप चल के स्टाफ रूम में बैठिए, अभी थोड़ी देर में रिसर्स होने वाली है। नहीं मैं यहीं बैठ जाता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप रेफे के चाचा है, कोई मजाक थोड़ी ना। आप आइए मेरे साथ स्टाफ रूम में, आइए 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 आइए। हाँ मैसेज छोड़ा था उसने मेरी एंसरिंग मशीन पे, मैंने सोचा फिर फोन करेगा, बट ही डिडंट कॉल बैक। ही कॉल्ड मी राइट आफ्टर दैट। विनी मुझे लगता है उसे बहुत ही धक्का लगा है, कुछ कहता नहीं है लेकिन आई कैन मेक आउट।
मुझसे कह रहा था कुछ पिछले वीक. मैंने सोचा उसकी आंटी ने कह दिया होगा गुस्से में कुछ. अब आई डिडंट नो इट विल हैपन सो सून. वो खुद भी तो बहुत गुस्से में है, जाहिर नहीं करता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान है बेचारा. अब गुस्सा तो होगा ही ना अलग. इस उम्र में खून का उबाल सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, दे एक्चुअली प्रैक्टिस इट. तो क्या शुड आई लेट हिम स्टे एट माय हाउस? क्या ख्याल है? मैं तो कहूंगा लेट हिम डिसाइड. इस जिंदगी में उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है और मुझे लगता है उसे इस फैसले का हक होना चाहिए. लेकिन अगर वो कुछ कर बैठा तो अलग. फिर हम आप किस लिए हैं? हेलो सर. हेलो मैडम. सर वो रेफे के अंकल आए हैं और उससे मिलना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कह दिया कि अभी तो क्लासेस चल रही हैं तो आप यहाँ पे सर यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं ना वो? हाँ हाँ जरूर. हाँ उन्हें अंदर ले आओ. अच्छा जी. मैं विनी, राफे को इंग्लिश पढ़ाता हूँ. ये लखनंदन. फिजिक्स. मैं राफे का चचा हूँ, आसिफ महमूद. आइए बैठिए. लेकिन वो सब तुम अफोर्ड कैसे करोगे? एग्जैक्टली यार, कब से मैं उसे यही कह रही हूँ. सॉरी. आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो कर लूंगा. मैं ट्यूशन ले लूंगा नहीं तो फिर पिज्जा एक्सप्रेस में नौकरी कर लूंगा. मैं सर कुछ पूछता आज ठीक है? अरे यार अपने मैनेजर से पूछा था, कहता है कि वैकेंसी नहीं है, शायद एक दो हफ्ते में कुछ निकले. सॉरी यार. राफे, द प्रॉब्लम इज विद फाइंडिंग अ प्लेस. आज इस शहर में एक रूम का अपार्टमेंट खोजना और उसका रेंट पे कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ यही तो कह रहा हूँ मैं, मेरे साथ रह जाना यार. नहीं यार. यू कैन. नहीं यार, आई हैव टू डू दिस ऑन माय ओन. मुझे कुछ तो करने दो अपने आप. मुझे पता है कि मैं आज साइरिस के साथ या मजहर के साथ या जॉन के साथ कभी भी रह सकता हूँ. सॉरी राघव, आई नो अबाउट योर डैड. लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागूंगा? और फिर कुछ भी खाओ, लेकिन मेरी चाची ने मुझे रिस्पॉन्सिबल तो बनाया ही. हेलो, इधर इधर. आर्ट क्लास में जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्टिस्टिक बातें हों, काम होना चाहिए. काम. आंखें बंद करके कुछ लोगों को कुछ नहीं दिखता, लेकिन जो चीजें खुली आंख से देख सकते हैं वो बंद आंख से उससे भी अच्छी दिख सकती. एक कौवा मुडेर पे बैठा हुआ, एक कौवा बस. छत पे काला कौवा बैठा, छत पे काला कौवा बैठा, काव काव करता रहता, झूठ बोले कौवा. एक मिनट. बहुत दूरदर्शी हैं आप लोग, बहुत दूरदर्शी हैं आप लोग. काम कीजिए, काम. ए यू, चलिए काम. हाँ यस, काम कीजिए. चौक भी नहीं है यार यहाँ. डोंट वरी यार, हम लोग कुछ कर लेंगे. हाँ डोंट वरी, हम कुछ ढूंढ लेंगे. डोंट वरी. हाँ लेकिन राफे, कुछ भी करना तू अलग नंदा के घर पे मत रहना, अदरवाइज जॉन विल किल यू. सुनिए, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मुझे डर लगता है. क्यों सर? अरे पता नहीं क्या करते हैं आप लोग. मुझे तो कुछ पता नहीं है कि वो क्या करने वाला है. वो कल रात मेरे ही आई था, मैंने आपको फोन भी किया था लेकिन आप थे नहीं. जी हाँ, मैं उसे, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर. आसिफ साहब आपसे एक बात कहनी है. देखिए इस उम्र में बच्चों का मन मोम की तरह होता है, अगर आप उसे पिघला सकें तो उसे कोई भी आकार दे सकते हैं, वरना उन्हें टूटते वक्त नहीं लगता. जी हाँ सर, मुझे इस बात का एहसास है. देखिए राफी की चाची जुबान की कड़वी जरूर है पर मन वो भी समझती है. इनफैक्ट उसी ने भेजा है मुझे यहाँ. आसिफ साहब, राफी हमारा बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, हम उसे बहुत मानते हैं. जी हाँ देख रहा हूँ मैं, और इस बात की मुझे बहुत खुशी भी है कि स्नेह की कमी कम से कम मेरे राफी के लिए यहाँ तो नहीं है. मैं राफी को बुलाता हूँ. जी आज स्कूल के बाद रुक रहे हैं ना यहाँ? हाँ 8:30 बजे मिसेस रॉड्रिक से मिलना है, वो कॉन्सर्ट के बारे में ना. ओके मैं भी आता हूँ. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. राफे दिस इज योर पेपर. मैंने बहुत पॉइंट्स काटे हैं बिकॉज़ इट वाज अ बैड जॉब डन. आई नो सर. व्हाट सर? नो सर एंड नो वर्क. आई हैव टू डिस्कस दिस. कम विद मी.
He knows. No. Your uncle is here. क्या कह रहे हैं? He's not very happy. I know. तो तुमसे मिलना चाहते हैं. Should I, sir? Of course. ये मत भूलो कि वो तुम्हारे अंकल हैं. तुम जानते हो वो तुमसे प्यार करते हैं. गुस्सा is natural. लेकिन उससे ऊपर उठना, उसे control में करना is an effort. ये तुम्हारा मौका है बड़ा बनने का. You make it sound so easy, sir. Well, it's not. मैं तो कहूँगा तुम इनसे मिलो, बातें करो. और हाँ, मैंने सुना वहाँ क्या बातें हो रही थी. अगर कुछ इंतजाम नहीं होता तो बताना मुझे. I know how to solve this problem. तो फिर कुछ कीजिए ना सर. और फिर आप क्या करेंगे? Thank you, sir. Anytime. अभी यहाँ लिखा है फर्स्ट मंथ का रेंट फ्री है. अभी जीनियस 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. हाँ तो क्या हुआ, 1 महीने के बाद मूव आउट हो जाएगा. और उसके बाद कहाँ जाएगा? अपनी अलग नंदा मैडम के घर. और कहाँ, वैसे भी आजकल उसका आना जाना लगा ही रहता है. आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, आना जाना लगा रहेगा. हे, मैं क्या सोच रहा हूँ, जॉन को भी अपने डैडी के साथ झगड़ा करना चाहिए, फिर उसे अपने घर से निकाल देंगे और फिर अलग नंदा मैडम उसे पनाह दे देगी. और जॉन वो उसे अपना प्यार. वाह क्या बात है. Found something? हाँ हाँ बहुत कुछ मिला है. वैसे अपना जॉन एक फिल्म बना रहा है. प्यार और पनाह. सारे जॉन को लो अलग नंदा पर हुआ कैसे प्यार है. You guys can never be serious. Rafi has a major problem here, guys. और तुम लोगों का मजाक सूझ रहा है. I don't believe you guys. Come on, get serious. John started everything, okay? नहीं यार, Cyrus. Cyrus has to be Cyrus. John. Cyrus. John. Cyrus. Cyrus. मेरे ख्याल से बस आप एक बार और बात करके देखिए, पता नहीं मान जाए. गुड आफ्टरनून मैम, मे आई कम इन? हेलो राफे, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई. बेटा राहिल कैसा है? बहुत रो रहा है, अपनी मां से लड़ाई कर रहा है. उसने बता दिया कि साड़ी उसी ने चलाई थी. चाची कैसे हैं? उसी ने भेजा है मुझे तुमसे मिलने के लिए. चल बेटा घर चल. अच्छा, मैंने अलग रहने का फैसला किया. अलग रहने का? बेटा ऐसी बातें नहीं किया करते. तू गुस्सा थूक दे, घर वापस चल. चाचा मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं है, किसी पे नहीं, चाची पे भी नहीं. बस अब खुद के साथ रहकर देखना है मुझे. और हम सब कुछ नहीं है. मुझे क्लास में जाना है. मैं तुझे घर वापस लिए बिना नहीं जाऊंगा. आप चलिए, मैं स्कूल के बाद शाम को घर आऊंगा. पक्का? पक्का. आई लाइक द वन विद मिसेस कपूर यार. ए राफे, तेरे लिए बहुत से घर ढूंढे हमने, स्कूल के बाद देखते हैं. ग्रेट गाइस, थैंक्स अ लॉट यार. यू आर मोस्ट वेलकम राफे, यू आर मोस्ट वेलकम. वैसे राफे, अलकनंदा मैडम का घर कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है. और उनके बॉयफ्रेंड विशाल भी बहुत अच्छे हैं. वो खड़ूस भाई पे रहता है? हाँ यार, सॉरी यार. यार मेरी किस्मत ही टूटी है यार. डोंट वरी जॉन, जॉन डोंट वरी. राफी को अपार्टमेंट मिलने के बाद हम लोग एलिमिनेटिंग विशाल प्रोजेक्ट पे काम चालू करते हैं. ब्रिलियंट. थैंक यू ग्रेट यार. स्टूपिड. पता है वो लोग 3 साल से साथ में रह रहे हैं. ए साइरस, सी जॉन, शट अप. तू शट अप. वॉकी टॉकी सेंसर बोर्ड मेरे सारे फिल्मों को काटता रहता है. जो तू ये रिलैक्स यार, रिलैक्स. चल ब्रेक अप, ब्रेक अप. जॉन लेट हिम बी. 36 चेक कर ले एक बार. 36 बी 26. हां 36 जी है. शो बहुत बड़ा है. चल यार, चल देखेंगे. पता नहीं भाई, तुम्हें क्या बोल रहा था? अरे आएगा यार. हां तो ये जगह ही है यार. इतना नाइस फील आ रहा है. हेलो, कौन चाहिए आपको? हेलो, वो जो आपने पेपर में एड्रेस मिल दिया था ना आंटी. आंटी? मैम, आपने दिया था ना एडवर्टाइजमेंट पेपर में. हाँ हाँ. तो वो हमें चाहिए. क्या? अब कमरा जो एडवर्टाइजमेंट आपने दिया है ना आज पेपर में.
लेकिन मुझे तो एक ही पीजी चाहिए। हाँ, एक ही है, एक ही है। कौन है आप में से? ये है ना राफे, राफे। आंटी कमरा देख सकते हैं अभी? लेकिन जिसे रहना है वही कमरा देख सकता है ना? हम सबको देखना है। राफे तुम अंदर आ जाओ, ये सब बाहर ही वेट करेंगे। हॉस्टल में दाखिला नहीं दिला सकते? अरे मैंने YMCA में बात की थी। I thought I'll put my Christian connection to some use. तो फिर? It's full. No vacancy for another 6 months. क्या जी, किस बारे में बात चल रही है? किसको चाहिए accommodation? सर, बीवी फिर से लात मार के निकाल दी क्या? सर आप भूल रहे हैं, ये आपके साथ हुआ था। और by the way मेरी अभी शादी नहीं हुई है। हाँ जानता हूँ, जानता हूँ। आप किस दुनिया में खोए हुए सर? हम पिछले एक घंटे से राफे के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा? उसने अपने अंकल का घर छोड़ दिया है, उसी के लिए हम अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं। लीजिए, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना सर, अब 5 कमरे का मकान है। अब बाप दादा की जायदाद अकेला इंसान क्या करेगा? उसको कहिए कि हमसे मुलाकात करे। 2 कमरे हैं सर, दोनों में ताले बंद है, कहीं दोनों दे दूं? नहीं सर, सिर्फ 1 कमरे की जरूरत है। लीजिए। सर आप जब काम की बात करते हैं ना सर, तो क्या काम की बात करते हैं? हाँ बिल्कुल, बस खाली उसको कहिएगा मुझे याद जरूर दिला। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम सॉल्व ना है, पक्का चाहते हैं कंटिन्यू, ठीक है? अरे एक मिनट, एक मिनट, क्या नाम बताया उसका? राफे। हाँ, उसको चाय में बनाना आता है कि नहीं? चाय? नहीं 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 नहीं, वो मैं मैनेज कर लूंगा। कहाँ जा रहे थे सर हम? कैंटीन। कैंटीन। क्या थैंक यू सर। अरे यार क्या बात है, दीपक बहुत इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, किरण भी बस सिखाती है मुझे। अरे वाह किरण, ब्रिलियंट। फोन। हेलो, हाय सर। हाँ सर हम लोग सब यहीं पे हैं। हाँ सर। हाँ एक मिनट, ये राफी विनी सर। फिर विनी सर? हेलो सर। हाँ ओके सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। क्या वो चंद्रगुप्त सर ने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। उन्होंने मुझे कमरा दिया है उनका किराए पे, लेकिन 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 उनकी एक शर्त है। क्या? बताओ। पता नहीं कैसे बताऊं मैं, मुझे उनके लिए रोज गर्मा गर्म चाय बनानी पड़ेगी। ये क्या हो रहा है? वो अब तक आया क्यों नहीं? आप उसे इतना डांटती है फिर वो क्यों आएगा? Hey, monster. आओ बेटा आओ। हाँ चाचा। चलो ऊपर जाओ, अभी अभी आता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बहुत देर हो गई है, खाना बन के ठंडा भी हो चुका है, पता नहीं कब खाएंगे सब लोग। चाची मैंने जो कुछ भी किया पता है, राहिल ने साड़ी जलाई थी, मुझसे भी तो गलती हो सकती है। और तुम तो जानते हो मैं कितनी चिड़चिड़ी हूँ, इसलिए कोई घर छोड़ के जाता है। सॉरी चाची। तुम्हारी मम्मी तुम्हें कभी नहीं डांटती थी क्या? हाँ पता है तुम्हें, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, सब मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। ठीक है मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं क्या करूं? चाची प्लीज, प्लीज चाची, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती चाची, सिर्फ डांटते हुए अच्छी लगती हो। ओके प्लीज। ठीक है, तुम ऊपर जाके हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा। नहीं चाची, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। मुझे रहने के लिए एक जगह मिल गई है। क्या? जी, और मैंने फैसला किया है कि मैं अलग से ही रहूंगा। लेकिन बेटा तुम... चाचा मुझे पता कि आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे अपने पैरों पे खड़े रहने का एक मौका मिल रहा है चाचा, और फिर आप नहीं चाहेंगे कि मैं भी जिम्मेदारी निभाना शुरू करूं?
लेकिन तुम 18 साल की हो, अकेले कैसे रहोगे? अकेले कहाँ हूँ मैं चाची, इसी शहर में तो हूँ, और फिर आप है, चाचा है, राहिल है, तो फिर मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ चाची? नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे। हाँ, और राहिल को रोज ट्यूशन पढ़ाने आऊंगा मैं। ए मॉन्स्टर, क्या हो रहा है? हम लोग रोज मिलने वाले, ओके? तो कभी कभी तुम ही मेरे पास चले आना, ठीक है? ए, याद है तू कह रहा था कि तुझे हॉस्टल बहुत पसंद है और तुझे हॉस्टल जाना है, लेकिन मम्मी नहीं जाने देती तुझे, तो फिर यूं ही समझ ले कि मेरे हॉस्टल जाने का वक्त आ गया है, तो शायद एक दिन तेरा भी आ जाएगा। अगर ये सैटरडे संडे हमारे साथ खेलने आएंगे ना, ऑफकोर्स आप रोज फोन करके मुझे होमवर्क पूछेंगे ना, ऑफकोर्स आप मुझे पिक्चर दिखाने ले जाएंगे ना अलीशा के साथ। मस्ती के।